प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार और संक्रमितों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है, प्रदेश में कोई एक ऐसा अस्पताल बताएं जहां ऑक्सीजन, इंजेक्शन और इलाज का पूरा प्रबंध हो। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की गंभीर स्थिति है, लेकिन बचाव के लिए सरकार के पास विजन नहीं है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं की गई। कमलनाथ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व में कई देशों ने इसको लेकर तैयारी की, लेकिन भाजपा की सरकार ने तैयारी नहीं की। आज जब आग लग गई है तो कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 में घोषणा करी थी कि फरवरी में हमारे 19 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं। बाबई में इन्होंने मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया, आज वहां केवल बाउंड्री वॉल बनी है। ये तो मैं मानता हूं कि केवल जनता को गुमराह करना और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए जाएं। टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, टेस्टिंग इन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग रोक दी है और लगभग 10 या 20% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग की रिपोर्ट 4 से लेकर 8 दिन में आती है। तो जो कोरोना पॉजिटिव हुआ, ये कोरोना पॉजिटिव वाला 4-8 दिन घूमता रहता है इन्फेक्शन लेके, दूसरों को इन्फेक्शन देता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना। और 3 महीने से देश के मीडिया, विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। कुआं नहीं खोद रहे, केवल कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, ताकि कैसे जनता को गुमराह करें। भोपाल से EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट।